Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Best. Subscribe and press the notification icon to see our videos first. Hello or welcome back, students. In today's video, we are going to continue your Sales of Goods Act 1913. I think this is second last video of that particular chapter. Next video, I will chapter ko wind up karu. So please, before watching this video, make sure that you subscribe to my channel and share with your friends as well. And please, you know why I always used to say please subscribe to my channel, because you know that obviously I just want to make my YouTube family very big. So for that, please join me, and it is really helpful for you. I'll try my best to make helpful for you, and you can share with your friends as well, right? And you can join me on my Instagram account, and where I'll try to upload, you know, important questions if my family of that particular account is also a little bit big, that, you know, most of the people can use benefit from there. Okay, so let's start with the video. बहुत बोल लिया मैंने, चलो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर सेल जो है वो नॉन ओनर करता है, सेल बाय अगर नॉन ओनर होता है तो क्या होता है. अच्छा, द जनरल रूल इज दैट नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट, है ना. जनरल रूल ये बोलते हैं कि नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट, जिसको मिला ही नहीं है वो कैसे मतलब दे सकता है. द रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय मैक्सम डेमोडेट क्योडो क्योर्ड नॉन हैबिट. That is, no one can pass a better title than himself has. यानी कि कोई, ये ना आपका एक आई थिंक, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, मुझे वो लैंग्वेज याद नहीं आ रही. इसका मीनिंग होता है नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, यानी कि कोई भी हम जिसके पास है उसे बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता. ठीक है, एंड इट हैज़ ओनर ऑफ द गुड or an authorized person who can sell the goods. A seller of goods can give a better title of the buyer than he himself possesses. तो ये चीज़ है. ऑब्वियसली आप ये लॉजिकली समझो कि अ बेटर सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर देन ही हिमसेल्फ पोसेस. ठीक है ना. दस इवन ए बोनाफाइड बायर हु बाइज स्टोलन गुड्स फ्रॉम अ थीफ और फ्रॉम अ ट्रांसफरी फ्रॉम अ सच अ थीफ कैन गेट नो वैलिड टाइटल ऑफ देम. यानी कि सपोज करो किसी ने चोरी का सामान खरीदा है चोर से, ठीक है, या मतलब ट्रांसफ़र करा किसी चोर ने, तो वो वैलिड टाइटल नहीं मिलता उसको. सिंस द थीफ हैज़ नो टाइटल नॉट कुड ही गिव टू एनी ट्रांसफरी. सो सपोज अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि नो वन कैन गिव हिम विच हैज़ वन हैज़ नॉट गॉट, जिसको मिला ही नहीं है. चोर है, चोर ने चुरा लिया, चोर को तो टाइटल नहीं मिला था ना. जब उसको टाइटल ही नहीं मिला है कि उसने ये चीज़ खरीद ली है, तो वो किसी और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है. समझ आई बात. तो ये चीज़ है इसके अंदर. लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल. यानी कि जर्नल रूल ये बोल सकता है जिसका है नहीं, जिसके पास टाइटल नहीं, वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता. लेकिन इस रूल के अगेंस्ट भी एक्सेप्शंस हैं. वो एक्सेप्शंस क्या हैं, दिस रूल इज़ हाउ एवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस विच आर एज फॉलोज. देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या बन जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि सेल बाय नॉन ओनर क्या होता है, नॉन ओनर्स. अब इसका जर्नल रूल तो यही है कि नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज़ नॉट गॉट. लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इम्पॉर्टेंट इसकी एक्सेप्शंस ही बन जाती हैं हमेशा. ठीक है, बिकॉज जर्नल रूल, जनरल रूल्स एवरी वन नोज दैट वट इज़ द जर्नल रूल, बट बहुत कम लोग जानते हैं वट आर द एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल्स. ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है. पहला, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट. Then second is sale by a co-owner. Third is sale by a person in possession under a voidable contract, seller in possession after sale, and sale by buyer in possession, and estoppel, sale by unpaid seller, and ye last wala 8th point aapka ho gaya. So these are the cases where which shows exception to the general rule. Theek hai, pehla point kya hai, the buyer of goods from a mercantile agent. The buyer of goods
From mercantile agent gets goods title to the goods if agent is in possession of goods or document of title with the owner's consent. यानी कि जैसे mercantile agents होते हैं ना, मतलब suppose मैं हूँ, मेरी कोई property है, मेरा लेकिन कोई एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है जो बेचने का काम करता है. अगर उस एजेंट के पास पोजेशन होगी गुड्स की या डॉक्यूमेंट्स होंगे कि वो ओनर के साथ टाइटल विद द ओनर कंसेंट, मतलब वो ओनर के साथ यू नो उसका कंसेंट है. एंड द एजेंट सेल गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है. एंड द बायर एक्ट इन गुड्स फेथ, ठीक है, गुड्स फेथ में करता है. एंड द बायर हैज़ नॉट नोटिस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल. मतलब बायर ने ये नोट ना करा हो कि उसके पास कोई, मतलब यू नो कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम उसके, मतलब जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है. लेकिन मतलब अगर उसका एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है, वो ये पॉइंट शो कर रहा है, तो इस केस में एक्चुअल में तो इसके पास टाइटल नहीं है ना, लेकिन तब भी ये सेल मानी जाएगी. ठीक है, तो मतलब जो बायर है उसको टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा. गॉट इट. सेकेंड इज, अगर को ऑनर सेल कर देता है, इफ़ सच को ऑनर इन द पोजेशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ को ऑनर्स एंड द बायर हैज़ गुड, यू नो बायर बायर बाइज द गुड्स इन ए गुड फेथ, वी विल गेट द गुड टाइटल टू द गुड्स. मतलब गुड टाइटल उनको मिल जाएगा, गुड्स का टाइटल मिल जाता है. से मतलब ये नहीं कि को ओनर. अब मुझे आप पूछोगे को ओनर का क्या मीनिंग होता है, को ओनर का मीनिंग क्या होता है. जैसे सपोज एक प्रॉपर्टी है ना, एक प्रॉपर्टी को तीन चार लोगों ने मिलके ख़रीदा है, तो ये जो एक ओनर बोलती है ना, तो इनको को ओनर बोला जाता है. तो इस केस में अगर सपोज ये प्रॉपर्टी है, इस को ओनर की कंसर्न इन तीनों ओनर्स के साथ है, ठीक है, तो इस केस में उस टाइटल गुड टाइटल वो गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मीनिंग है, द बायर ऑफ द गुड्स गेट गुड्स टाइटल इफ ही बाइज गुड्स इन गुड फेथ सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द सेलर हैज़ नॉट रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ सेल. यानी कि जो सेल करी है पर्सन ने, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पोजेशन ऑफ अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो बायर है, बायर ने गुड फेथ में ख़रीदा है और साथ में उसको पता ही नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ यू नो रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है ना. तो मतलब सेलर ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मतलब यू नो उसके ऊपर यू नो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उस प्रॉपर्टी पे या उस चीज़ पे. तो उस केस में भी जो बायर है उसको गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में ख़रीदा है एंड उसको कोई नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ की. तो इसीलिए सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल इफ़ बायर बायज अ गुड्स इन गुड्स फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, ठीक है ना. मतलब उसको जो मतलब जैसे जो सेलर है उसके पास पोजेशन जो है अभी नहीं है, बाद सेल के बाद में आती है. सपोज़ करो ए है और बी है, सी से ख़रीदी थी इसने, लेकिन अभी तक की इसके पास पोजेशन इन पोजेशन है, पोजेशन आफ्टर सेल के बाद आती है. यानी कि सेल्स बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. तो यहाँ पे आई डोंट नो हाउ टू लाइक टेल यू, आई एम जस्ट कन्फ्यूज लाइक मैं क्या वैलिड एग्जाम्पल दूँ इसमें. इफ़ बायर बाइज द गुड्स इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल, मतलब उसको प्रीवियस सेल का कोई नोटिस नहीं है. सपोज़ ए जो है और ये बी है, बी जो है अभी करंट बायर है, इसने सी से ख़रीदा था, तो बी को जो है ए के प्रीवियस सेल की कोई नॉलेज नहीं है. तो उस केस में जो बी को अगर इसने ए ने गुड्स ट्रांसफ़र करा ना, वो वैलिड माना जाएगा, मतलब उसको टाइटल, क्योंकि बी को कोई नॉलेज ही नहीं है प्रीवियस सेल की, ठीक है. आई डोंट नो ये वाला पॉइंट आई डोंट नो आपको समझ आया होगा कि नहीं. सेल्स बाय ओनर्स इन पोजेशन में करा, ठीक है. द बायर हु एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ लीन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स गेट्स अ गुड्स टाइटल. सेल्स बाय ओनर, सेल्स बाय बायर इन पोजेशन.
ठीक है, पोजेशन आ गई है उसके पास तो वो हो जाएगा। इसमें सेल के बाद पोजेशन आई है, पहले नहीं आई है। स्टॉपल, इफ ओनर बाय हिज कंडक्ट और बाय एन एक्ट और ओमिशन लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज़ अथॉरिटी टू सेल एंड इंड्यूस द बायर टू बाय गुड्स। यहाँ पे ये स्टॉपल वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्लीज़ आप ध्यान से समझें। इसमें बोलता है कि अगर ओनर अपने कंडक्ट से या अपने एक्ट से या अपने ओमिशन से लीड्स टू बायर बिलीव दैट द सेलर हैज़ अथॉरिटी टू सेल, मतलब वो बायर को ये बिलीव दिला देता है कि उसके पास अथॉरिटी है गुड्स को सेल करने की एंड इंक्लूड्स द बायर बाय द गुड्स और बायर वो खरीद लेता है, ही शेल बी स्टॉपल फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑफ वॉन्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ सेलर द बायर इज इन सच केस गेट अ बेटर टाइटल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो कुछ ऐसा कंडक्ट करता है, ऐसा एक्ट करता है कि उससे बिलीव हो जाता है बायर को कि उसके पास अथॉरिटी है गुड्स को सेल करने की, तो वो इस केस में जो ही शेल बी स्टॉपर स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड जो है फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट्स ऑफ वॉन्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ सेलर, तो बायर को जो है वो गुड्स का टाइटल मिलेगा। मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है ना कि लाइक अगर ऐसा है भी नहीं उसके पास, लेकिन उसको बिलीव दिलाया जाता है येस जाता है कि मैं सेल कर रहा हूँ, मैं ही सेलर हूँ, मैं अथॉरिटी है मेरे पास सेल करने की, तो उस केस में जो बायर है उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको गुड्स का बेटर टाइटल मिलेगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय अनपेड सेलर। सेल बाय अनपेड सेलर हु हैज़ एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट द बायर एक्वायर्स ओरिजिनल बायर। अनपेड सेलर से नहीं करा वो उससे खरीद लेता है तो उसमें भी उसी को टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, द सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स और द सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सेल बाय पॉनी और प्लेजी, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर असाइनी और लिक्विडेटर अंडर सर्कमटांसेस। मतलब सेल जो है लॉस्ट गुड्स, जैसे कोई चीज़ सेल बाय फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड, कोई चीज़ गुम गई है किसी की, वो किसी को मिल गई है, उसने उसको मिली उसने बेच दी किसी को, तो उस केस में भी मिलेगा। सेल बाय पॉनी, सेल अगर पॉनी या प्लेजी करता है, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर या साइनी या लिक्विडेटर होता है, ये तो इन सर्कमटांसेस के अंदर भी गुड्स का टाइटल मिल जाता है। ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल ऑफ सेल बाय नॉन ओनर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलर और इन रिस्पेक्ट ऑफ बायर। ठीक है, परफॉर्म सेल, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, परफॉर्मेंस की करने की ज़रूरत है, वो अपने जो सेलर है वो ऑब्वियसली आपको भी पता है डिलीवर करेगा गुड्स, और जो बायर है वो एक्सेप्ट करेगा गुड्स और उसको क्या करेगा पेमेंट करेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस व्हाट यू मीन, मतलब समझ आ रहा है ना परफॉर्मेंस का क्या मीनिंग है? सिंपल सी बात है, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उसमें सेलर क्या परफॉर्म करेगा, बायर क्या परफॉर्म करेगा। सेलर तो गुड्स की डिलीवरी करेगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का मीनिंग क्या होता है? अब यहाँ पे डिलीवरी तीन तरीके की हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। नाउ तीनों का क्या मीनिंग होता है? एक्चुअल डिलीवरी का क्या मीनिंग होता है? वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज एजेंट ऑथराइज टू टेक पोजेसिव, मतलब एक्चुअली में उसको दिए जिसको देना चाहिए था। सिंबॉलिक का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी इज मेड बाय इंडिकेटिंग और गिविंग अ सिंबल, इंडिकेटिंग, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल बाय डिलीवरिंग द की ऑफ द वेयर हाउस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। ठीक है ना, जहाँ गुड्स स्टोर्ड करेंगे, गुड्स नहीं दिया गया उसका की दिया गया। ओके, तो दिस इज सिम्बॉलिक, यहाँ पे एक्चुअल में उसी चीज़ की डिलीवरी हुई है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का क्या मीनिंग होता है? कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है वेयर अ थर्ड पार्टी हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ सेल एक्नॉलेज टू बायर दैट ही
होल्ड्स द गुड्स ऑफ ऑन हिज बिहाफ, मतलब ये है कि यहाँ थर्ड पार्टी ने ना होल्ड करके रखा है, थर्ड पार्टी ने होल्ड करके रखा है. सपोज करो ए है, ओ सॉरी, या ए बी एंड सी, ठीक है. ए ने बी को सेल करा लेकिन अभी भी जो पोजेशन है गुड्स, मतलब गुड्स जिसके पास हैं दैट इज सी के पास है, लेकिन अब इसने तो बी को बेच दिया ना, तो वो चीज़ है. वेयर थर्ड पार्टी हु इज़ इन पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल एक्नॉलेज टू बायर दैट ही होल्ड्स द बिहाफ. यहाँ पे एक्चुअल में हुई, यहाँ सिम्बॉलिक हुई, की दे दी, यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास होल्ड हो रखी है. तो ये तीन तरह के डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है यहाँ पे आपका, ठीक है. अच्छा, रूल्स एज डिलीवरी ऑफ गुड्स. अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला पॉइंट है कि पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर और हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट, ठीक है. पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बायर और हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट, मतलब यहाँ पे पोजेशन देनी है. डिलीवरी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट करनी है. बायर हैज़ अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, अदरवाइज सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर दैम. बायर ने मतलब ये मतलब करा हो कि मेरे को गुड्स डिलीवर करवा दो, वरना सेलर के सर पोजेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी नो डिलीवरी विल टेक अंटिल सच थर्ड पार्टी एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स दैम ऑन हिज बिहाफ. मतलब यहाँ पे पोजेशन अगर जैसे थर्ड पार्टी ने होल्ड करके रखी हुई है ना, तो तब तक की डिलीवरी नहीं लेगी होगी जब तक कि थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं कर देगी बायर को कि मैंने आपका ना आपके बिहाफ में होल्ड करके रखी. वेयर प्लेस ऑफ डिलीवरी इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द गुड मस्ट बी डिलीवर एट स्पेसिफाइड प्लेस. मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्पेसिफाई करा है कि डिलीवरी यहाँ होगी, तो डिलीवरी वहीं ही होनी चाहिए. इफ़ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, इट इज़ डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर हैपन्ड एट द टाइम ऑफ सेल. मतलब अगर नहीं है स्पेसिफाई, तो जहाँ पे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो आप वहाँ से कर दो, ठीक है ना. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं रूल्स एज डिलीवरी ऑफ गुड्स. एंड हाँ, यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं. सिक्स है कि आपका सिक्स पॉइंट है कि इफ़ द गुड्स ऑफ सेल स्पेसिफाई द वर्ड डायरेक्टली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम और फॉर विद, देन मस्ट बी डिलीवर इमिडिएटली अदरवाइज विद अ रीजनेबल टाइम, ठीक है ना. गुड्स में अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वर्ड्स लिखा है डायरेक्टली विदाउट एनी, तो वो इमिडिएटली डिलीवर होना चाहिए विद अ रीजनेबल टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम, अदरवाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम हो जाने चाहिए. अनलेस अदरवाइज एग्रीड ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सीडेंटल टू मेकिंग डिलीवरी आर बॉर्न बाय द सेलर, बट ऑल एक्सपेंसेस एंड इंसीडेंटल टू ऑब्टेनिंग ऑफ डिलीवरी आर बॉर्न बाय द बायर, ठीक है ना. डिलीवरी करने के, लेकिन डिलीवरी ऑब्टेन करने के जो खर्चे होंगे वो बायर करेगा. अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना. बायर भी नहीं है कि वो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करेगा. अब यहाँ पे है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर. द बायर इज डीम्ड टू हैव द एक्सेप्टेड द गुड्स. पहला, वेन बायर इंटीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स टू सेलर. सेकेंड, मतलब वो जब इंटीमेट करते थे कहा हाँ मुझे गुड्स मिल गया है. एंड देन सेकेंड इज़ वेन बायर डज नॉट एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, एग्जाम्पल रीसेल और प्लेज, तब भी. और वेन आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम बायर रिटेन्स गुड्स विदाउट इंटीमेशन और रिजेक्शन ऑफ सेलर, तब भी मतलब आपका मतलब मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप ये प्लीज़ रीड कर लेंगे. इम्पॉर्टेंट रोड एक बार मैं चलो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. वेर अ गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिजेक्ट्स देन, ही इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर. मतलब जैसे सपोज करो आपने खरीदे, आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको रिटर्न करोगे सेलर को, मतलब बाउंडेशन नहीं, इज़ नॉट बाउंड. हिज इंटीमेशन इज़ सफिशेंट, मतलब उसकी इंटीमेशन ही काफ़ी है कि उसने रिजेक्ट कर दें. एंड इफ़ सेलर रिफ्यूज टेक अवे गुड्स बाय गुड्स द यू नो टेक अवे द गुड्स द बायर बिकम बेली एंड ही मे चेंज फॉर कीपिंग दैम,
ठीक है ना, मतलब ही मे चार्ज फॉर कीपिंग देम, मतलब ये हो गया। सपोज करो आप सेलर हो, मैं बायर हूँ, मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं गुड्स नहीं ले रही, तो मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको वापस करूँगी, मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है आप लेके जाओ, ठीक है। और अगर आप नहीं लेके जाते हो, आप मतलब मना कर देते हो, तो अगर मेरे पास गुड्स हैं तो मैं बेली बन जाऊंगी और मैं चार्ज करूंगी कि मैंने अपने पास गुड्स रखे हुए हैं। सेकेंड है, इफ़ द बायर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर विद इन अ रीजनेबल टाइम विच द सेलर इज़ रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, द बायर इज़ लाइबल फॉर द सेलर, कि एनी लॉस जो भी होगा वो करेगा ड्यू टू इज नेग्लेक्ट वो, एंड देन रीजनेबल चार्ज ऑफ केयर, ठीक है ना। अब जैसे सपोज है बायर सेलर, सेलर मैंने सेल मतलब मैंने खरीद लिए, लेकिन अभी भी गुड्स सेलर के पास है, वो जो है वो गुड्स भेजना चाहता है लेकिन मैंने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो इसमें बायर लायबल होगा, कोई भी अगर लॉस होगा कोई, और जो भी इसको टेक केयर करने के लिए चार्जेस हैं वो किससे लेंगे, आप बायर से लेंगे, ठीक है। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या सूट्स हो सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रीच हो जाए, तो क्या मतलब सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू बायर, सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस, अगर बायर बायर को ट्रांसफ़र हो गया तो सेलर क्या कर सकता है, मतलब सपोज़ ए और बी में सेल का हो गया, ए ने बी को सेल कर दी लेकिन उसने देने से मना कर दिया और ब्रीच कर दिया, तो सेलर जो है वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ रॉन्गफुल नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय बायर टू एक्सेप्ट द गुड, सेलर में स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेलर कर सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। इफ़ इन केस ऑफ अ रॉन्गफुल नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय सेलर टू डिलीवर द गुड्स, डिलीवरी नहीं की फॉर नॉजस, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी और इलेक्ट और ट्रीट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी, द बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स एंड ही मे स्यू फॉर डैमेजेस इफ एनी, मतलब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता लेकिन स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए। एंड इफ बायर हैज़ पेड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, इन गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, तो वो जो गुड्स के लिए क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है, ठीक है ना, और ऑल्सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हो, स्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस केस में क्या सूट्स हैं आपके, क्या क्या मतलब सर्कमस्टांसेस आ जाएगा, क्या कौन स्यू किसको कर सकता है, कौन किस पे केस कर सकता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है, आपके में उसमें इतना डीप लेवल में नहीं जाना, लर्न करनी है, दैट्स ओके। सो दैट्स इज अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आई थिंक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ओके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बाय बाय।